सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज को हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भीम एप्लीकेशन में अगर आपको आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो ऑप्शन है नहीं मिल रहा है तो आपको कैसे मिलेगा और आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस बहुत लोग परेशान हैं, उनका SBI बैंक है, PNB बैंक है, ETC बहुत सारे ऐसे बैंक है जिनके बैंक में आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो ऑप्शन है नहीं मिल रहा है। सो हम आपको बताने वाले हैं कि गाइस आपके बैंक में आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो ऑप्शन है आपके भीम एप्लीकेशन में क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि गाइस आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाने का जो ऑप्शन है सबसे पहले भीम एप्लीकेशन में ही आया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर को ओपन करना। ओपन करने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फोन में भीम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से अपने भीम एप्लीकेशन को ओपन करना है। सो कि जैसे आप अपने भीम एप्लीकेशन को आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे तो अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहां से अपना पासवर्ड आपको डालना है। सो कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको अपना पासकोड सेट करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस हम ऑलरेडी इसमें अपना अकाउंट बना चुके हैं, इसलिए गाइस हमको पासकोड यहाँ पे ऑलरेडी मेरा था, इसलिए हम अपना पासकोड डाल दिए। अब आपका जब इस तरीके से ओपन हो करके आ जाएगा तो अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। अगर गाइस आपका कोई ऑलरेडी बैंक लिंक है तो यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन अगर आपका लिंक नहीं है तो आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और आपका जो भी बैंक होगा अपने बैंक का नाम आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे गाइस मेरा जो बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में गाइस मेरा जो बैंक अकाउंट है इसमें सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, सक्सेसफुली यहां पे लिंक भी हो जाएगा। प्लीज वेट का ऑप्शंस ओपन होकर के आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस आपको जो बैंक अकाउंट है इसमें सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा, सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो फाइनली गाइस यहां पे प्लीज वेट का ऑप्शन लेकर के आ रहा है। उसके बाद में मेरा जो बैंक अकाउंट है ऐड हो चुका है, लिंक हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। सो कि जैसे आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो बैंक अकाउंट है आपके भीम एप्लीकेशन में लिंक हो चुका है, यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पे मैक डिफॉल्ट एस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो बैंक अकाउंट है इसमें प्रॉपर्ली ऐड हो जाएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फाइनली गाइस मेरा जो बैंक अकाउंट है इसमें ऐड हो चुका है, लिंक हो चुका है, मेरे दो बैंक अकाउंट इसमें ऐड है। तो हमसे क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में हमसे क्या करेंगे, फॉरगेट यूपीआई पिन सेट यूपीआई पिन क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमको आधार वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड और यहाँ पे वैलिडिट का ऑप्शन हो रहा है, मतलब एक्सपायरी डेट का ऑप्शन हो रहा है। सो गाइस अगर मेरे पास यहाँ पे गाइस अगर ATM कार्ड डेबिट कार्ड है तो अपनी UPI पिन को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। अगर आपके पास गाइस यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस आपको यहाँ पे इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे आधार नंबर और यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर आपको मिलेगा। तो गाइस अगर आपके पास डेबिट कार्ड नंबर है तो अपने डेबिट कार्ड नंबर को भी डाल के UPI पिन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर गाइस आपके पास आधार नंबर है तो अपने आधार नंबर डाल करके अपने UPI पिन को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपके उस बैंक में आपका आधार वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो गाइस अभी आपके उस बैंक में आधार कार्ड से UPI पिन बनाने का जो ऑप्शन है नहीं आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ दिन तक वेट करना पड़ेगा। तब तक गाइस आपके बैंक में आधार कार्ड से UPI पिन बनाने का जो ऑप्शन है फीचर्स आ जाएगा। तो जब आपके बैंक में इस तरीके से ऑप्शंस फीचर्स आ जाएगा तो आप यहां से अपने आधार कार्ड का यहां पे स्टार्टिंग का मतलब फर्स्ट का 6 अंक डाल करके अपनी UPI पिन को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपके भीम एप्लीकेशन में अगर कोई आपका SBI बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, मतलब ETC बहुत सारे से बैंक है, अगर आपके बैंक में नहीं सो रहा है तो आपके बैंक में अभी आधार कार्ड से UPI पिन बनाने का जो ऑप्शन है नहीं आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जब तक आएगा, जब आएगा तभी बना पाएंगे। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपको आधार कार्ड से UPI पिन बनाने का जो ऑप्शन है मिल जाए, क्योंकि गाइस यहां पे NPCI का रूल है कि गाइस सभी बैंक में धीरे-धीरे मिलेगा। तो गाइस यहां पे बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनको धीरे-धीरे मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनको नहीं मिल रहा है। तो गाइस आपके भी बैंक में आधार कार्ड से UPI पिन बनाने का जो ऑप्शन जब आ जाएगा तो इस तरीके से गाइस अपने आधार कार्ड से अपने UPI पिन को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि गाइस मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे यूजर्स ऐसे थे जो कि मेरे पास बार बार कमेंट कर रहे थे कि मेरे मतलब भीम एप्लीकेशन में आधार कार्ड से UPI पिन बनाने का जो ऑप्शन नहीं सो रहा, तो हम क्या करें। तो पहले गाइस हम आपको बता दिए कि गाइस अगर आपके मतलब भीम एप्लीकेशन में आपके बैंक में आधार कार्ड से UPI पिन बनाने का जो ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।